प्रथम पूज्य गणेश। गणेश जी जिन्हें सभी विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के नाम से जानते हैं, वे हर शुभ कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं। उनकी पूजा के बिना कोई भी धार्मिक या सामाजिक कार्य अधूरा माना जाता है। गणेश सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले और सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हर कार्य में सफलता मिलती है। शिव और पार्वती के बेटे गणेश जी का जन्म एक अद्भुत कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंके। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। बुद्धि और ज्ञान देने वाले गणेश जी को विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। वे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। हर शुभ काम में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो। गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाता। उनकी कृपा से सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। गणेश जी की पूजा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक दिन देवताओं ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमें बुद्धि और समृद्धि की देवी चाहिए। देवताओं की इस प्रार्थना पर शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं गणेश की शादी करवा दूंगा। गणेश जी की शादी रिद्धि और सिद्धि से हुई, जो बुद्धि और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं गणेश की शादी करवा दूंगा। इस प्रकार गणेश जी की पूजा से न केवल बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि समृद्धि और सुख शांति भी मिलती है। गणेश जी की कृपा से जीवन में हर प्रकार की सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि और समृद्धि की देवी। ब्रह्मा जी ने दो सुंदर बेटियों को बनाया। उनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि बुद्धि की देवी, सिद्धि समृद्धि की देवी। दोनों बहनें बहुत सुंदर और गुणवान थीं। वे हमेशा साथ रहती थीं। देवता रिद्धि और सिद्धि को कैलाश पर्वत ले गए। वहां शिव और पार्वती जी रहते थे। शादी का आशीर्वाद। शिव और पार्वती ने रिद्धि और सिद्धि का स्वागत किया। दोनों बेटियों ने शिव पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे गणेश से करवाऊंगा। रिद्धि और सिद्धि शर्मा गईं। उन्होंने गणेश जी के बारे में सुना था। ब्रह्मा जी का आना। शादी का दिन तय हुआ। सारे देवता कैलाश पर्वत पर इकट्ठा हुए। ब्रह्मा जी शादी करवाने आए। विष्णु जी ने कन्यादान का भार लिया। गणेश जी दूल्हे के रूप में तैयार थे। वे बहुत सुंदर लग रहे थे। रिद्धि और सिद्धि भी सुंदर कपड़ों में सजी थीं। उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। शुभ विवाह। ब्रह्मा जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। गणेश जी और रिद्धि सिद्धि ने अग्नि के साथ फेरे लिए। सारे देवता खुश होकर ताली बजा रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी। शादी पूरी हुई। गणेश जी और रिद्धि सिद्धि एक दूसरे के हो गए। सभी ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया, उनके सुखी जीवन की कामना की। रिद्धि सिद्धि का वरदान। रिद्धि सिद्धि ने गणेश जी को पति के रूप में स्वीकार किया। वे दोनों गणेश जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थीं। हर दिन वे भगवान गणेश की पूजा करतीं, उन्हें मोदक का भोग लगातीं और उनकी आरती उतारतीं। वे दोनों गणेश जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थीं। उनकी भक्ति और समर्पण अद्वितीय था। वे हर समय भगवान गणेश की सेवा में लगी रहतीं। उनके लिए विशेष पकवान बनातीं और उनकी हर इच्छा का ध्यान रखतीं। एक दिन गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि से कहा, तुम दोनों ने मुझ पर कृपा की है। तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ही निष्ठा और समर्पण के साथ किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारी भक्ति और सेवा के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशहाली और आनंद रहेगा। रिद्धि ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है। आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य हो गया है। हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। सिद्धि ने कहा, मैं भी आपकी कृपा से संतुष्ट हूँ। आपके आशीर्वाद से हमें जो सुख और शांति मिली है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम हमेशा आपकी भक्ति और सेवा में लगे रहेंगे। गणेश जी की शिक्षा। गणेश जी ने कहा, तुम दोनों दुनिया के भलाई के लिए काम करो।
जो व्यक्ति बुद्धि और ज्ञान से युक्त होगा उसे तुम रिद्धि प्रदान करना, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा उसे तुम सिद्धि प्रदान करना। रिद्धि सिद्धि ने गणेश जी की बात मान ली, वे दुनिया में फैल गईं। सच्चा धन जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वही सच्चा धनवान होता है। बुद्धि का महत्व केवल धन अर्जित करने में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में होता है। बुद्धिमान व्यक्ति सही निर्णय लेता है जिससे उसे जीवन में सफलता मिलती है। बुद्धि से ही सफलता मिलती है, चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो या कोई अन्य क्षेत्र। बुद्धि का उपयोग करके ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता केवल धन में नहीं बल्कि संतोष और आत्मसंतुष्टि में भी होती है। परिश्रम और ईमानदारी से ही सच्ची समृद्धि मिलती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। किसान खेतों में मेहनत करता है, मजदूर फैक्ट्री में और ऑफिस का कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर। सभी का परिश्रम ही उन्हें सच्ची समृद्धि दिलाता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन स्थायी नहीं होता, यह धन जल्दी ही समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता में डाल देता है। बेईमानी से अर्जित धन से कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। गणेश जी, रिद्धि और सिद्धि हमें यही शिक्षा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा धन वही है जो ईमानदारी और मेहनत से अर्जित किया गया हो। रिद्धि और सिद्धि का महत्व भी इसी में है कि वे हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमें बुद्धिमान और मेहनती बनना चाहिए। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुटना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कोई अन्य कार्य। हमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। समाज में उसकी एक अलग पहचान होती है और लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। तभी हम सच्चे अर्थों में सुखी और संपन्न हो सकते हैं। जब हम ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि का सही उपयोग करते हैं तभी हमें सच्ची खुशी और समृद्धि प्राप्त होती है। यही सच्चा धन है। गणपति बप्पा मोरिया गणेश जी की पूजा से हमें बुद्धि, समृद्धि और सफलता मिलती है। वे हमारी बाधाओं को दूर करते हैं। आइए हम सब मिलकर गणेश जी की पूजा करें, उनसे ज्ञान और समृद्धि की प्रार्थना करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।